का स्नो सोनाली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेवल एडिक सोनाली। मैं ही हुई हिमाचल में, तो मैंने सोचा हिमाचल पर आपको दिखाया जाए। तो मैं आज हिमाचल की बहुत ही फेमस जगह बैजनाथ मंदिर, या फिर जिसे हम बैजनाथ धाम कहते हैं, वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। नौ ज्योतिर्लिंगों में सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और खासकर शिवरात्रि के टाइम पर आएंगे तो आपको यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बैजनाथ टेम्पल और यहाँ पर एक फेमस नाग देवता का मंदिर है, वो मंदिर भी दिखाऊंगी। तो बने रहेगा वीडियो में। हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ टेम्पल, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। बिल्कुल एंशियंट टाइप का टेम्पल है, बहुत ही पुराने का, पांडवों के जमाने का टेम्पल है ये। बस ये है, इसकी मेन बात अच्छी है कि एकदम रोड के पास है, तो आप यहाँ पर गाड़ी से भी आ सकते हैं। यहाँ पर पेड पार्किंग अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आते हो तो आराम से पार्किंग में जा सकते हैं। तो गाइस चलिए टेम्पल देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। आपको मेरे पीछे बैजनाथ धाम तो दिख ही रहा होगा, इसके पीछे एक लॉन्ग सी शॉर्ट स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। ये जो उसकी शिवलिंग है, उसके पीछे खास बात यह है कि यहाँ पर ये शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। रावण ने कैलाश पर्वत पर पूजा करी थी शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। रावण ने अपने 10 के 10 कर शिवजी को चढ़ाए थे। शिवजी प्रसन्न हुआ तो बहुत शक्तिशाली बना दिया, उसे वरदान दिया। तो रावण ने कहा कि आपको मेरे साथ लंका चलना पड़ेगा। तो शिवजी तुरंत एकदम से वो शिवलिंग में तब्दील हो गए। तो रावण जब उनको लंका लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उसको वॉशरूम या फिर कह सकते सुसु लगा। तो वो कह रहे वहाँ उनको रास्ते में गडरिया मिला, जो कि विष्णु जी गडरिया का रूप धर के आए थे। ये सब चाल विष्णु जी की थी, वो नहीं चाहते थे कि शिव जी लंका जाए। तो उन्होंने गडरिया को यानी विष्णु जी को वो शिवलिंग स्थापित दिया। तो विष्णु जी ने वही शिवलिंग उठा के वहाँ वापस स्थापित कर दिया, जो कि ये मंदिर है। तो रावण जब वापस आया, उसने देखा कि शिवलिंग तो स्थापित हो चुका है। उसने कोशिश करी उसे उठाने की, तो वो उठ नहीं पाया। तो ये वही टेम्पल है जो रावण कैलाश पर्वत से पूजा करके आया था, यहाँ पर स्थापित किया था। तो गाइस इस मंदिर की जो खास बात है, वो कहते हैं कि यहाँ पर रावण का निरादर नहीं करते। यहाँ पर आप रावण के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते।
इस जगह पर दशहरा नहीं मनाया जाता, वैसे हर जगह दशहरा मनाया जाता है इंडिया में, जितनी जगह है यहाँ पर हिंदुओं का, हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग तो हिंदुओं में दशहरा मनाना बहुत अच्छे से मानते हैं, पर बैजनाथ पे दशहरा नहीं मनाया जाता क्योंकि मानते हैं कि ये मंदिर रावण की वजह से स्थापित हुआ है, ना रावण वहाँ पर तपस्या करता ना वो शिवलिंग यहाँ पर आता, तो यहाँ पर रावण को एक बहुत ही अच्छा मानते हैं और ये मंदिर भी उसी की वजह से है। प्लस यहाँ पर गोल्ड नहीं बिकता क्योंकि रावण की जो लंका थी वो गोल्ड की थी, तो यहाँ पर गोल्ड का व्यापार नहीं होता। मगर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर एक पपरोला करके जगह है, वहाँ पर सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है, तो ये भी यहाँ पर एक डिफरेंट ही चीज़ है। ऐसे मंदिर बहुत ही फेमस है, ऑब्वियसली ये धाम है, धाम की बहुत ही ज्यादा मान्यता होती है, तो बहुत ही फेमस मंदिर है। प्लस ये बहुत ही एंशियंट टाइप का बना हुआ है, अगर आप कभी केदारनाथ जाओगे तो वो देखने में बिल्कुल केदारनाथ जैसा लगता है, बस सराउंडिंग का लगेगा क्योंकि केदारनाथ बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जंगलों के पास है, जो थोड़ा सिटी में है। प्लस यहाँ पर एक चीज और है जो हमेशा आप कभी नोटिस करोगे तो शंकर जी के बाहर एक नंदी होता है, लोग नंदी के कान में अपनी जो भी आपकी इच्छा होती है वो बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि नंदी शंकर जी का सबसे प्रिय वाहन है, तो उसके कान में बोले शंकर जी उनकी बात जल्दी सुनते हैं, तो मैंने भी बोला है और आप कभी यहाँ हो तो आप भी जरूर बोलना। नाग मंदिर एक बहुत ही मतलब पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, मतलब शांति है बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा भीड़ भड़क का नहीं है। प्लस यहाँ पे नाग मंदिर की खासियत है कि अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो आप यहाँ पे चांदी का नाग चढ़ा के अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, और यहाँ पर इसमें मेरे को सांप के सपने आते हैं, तो मैंने सुना है कि अगर आप यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे तो आपने वो सांप जो होते वो दिखाई नहीं देते। प्लस यहाँ पर एक गणू जी का भी छोटा सा मंदिर है, वो पत्थर के अंदर गणू जी बने हुए हैं, तो चलिए आपको वो चीज दिखाते हैं, नाग मंदिर दिखाते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।